बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखाया हुआ है बहुत कुछ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए ताजमहल भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, आगरा का ताजमहल। ये रात का सीन दिखाया हुआ है कि रात को ताजमहल कैसा दिखता है। पूरी अपनी भारत की धरोहर यहाँ पे है, ये देखिए वुड क्राफ्ट, लकड़ी के बने हुए अलग अलग तरह तरह के क्राफ्ट, बहुत ही सुंदर। ये इंस्ट्रूमेंटल देखिए यहाँ पे बहुत सारे सितार, वीणा, एकदम जो ओरिजिनल थे उस जमाने के, बहुत पुराने, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तबला, पखावज, ढोल, दमाऊ, सब कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है जगह। ह्यूमन लाइफ, अब हम चलते हैं ह्यूमन लाइफ में, द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हम आए एक और फ्लोर में, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। बिग बैंग टू स्मार्ट मैन, ये यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है किस तरीके से हम इंसान बने, पूरा साइकिल। अपने साइंस में पढ़ा होगा ये साइकिल के बारे में, तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बच्चा कैसे जन्म लेता है माँ के पेट में, वो किस तरीके से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं जितना यहाँ पे समझाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। ये यहाँ पे आपकी बॉडी में कितना कार्बन है वो यहाँ पे बताती है ये मशीन, इसके ऊपर चढ़ के ये सब लोग चढ़ रहे हैं। और ये डीएनए, डीएनए किस तरीके से बनता है, कैसे होता है बॉडी में, मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो साइंस से रिलेटेड हैं लोग, साइंस वालों को बहुत अच्छे से यहाँ पे पता लगेगा, ये सारा कुछ बताया हुआ है। और ये ब्रेन, इंटेलेक्ट के बारे में, कैन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यहाँ पे बहुत सारी ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, इन फ़ोटो पे क्या करना है, किसी एक फ़ोटो पे आपको बहुत देर तक देखना है, ये लिखा हुआ है कि आप अपने आप को पहचान कर सकते हैं, और फिर आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, ऐसा कुछ है, मतलब इसी टाइप का कुछ है। ये कंकाल, ये मूव हो रहा है, इसकी मुंडी देखो घूम रही है अभी, ये हाथ भी उठा ऊपर। ये लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन यहाँ पे दिखाई हुई है, हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन होती हैं। और ये बॉडी फ्रेमवर्क है, हम जब साइकिलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी की बोन्स कैसी होनी चाहिए और कैसी रहती है, ये यहाँ पे साइकिल के ऊपर प्रैक्टिकल आप कर सकते हो ये सारा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे बैलेंस करना है अपने आप को, ये दोनों तरफ मिरर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे खड़े रह के बैलेंस करना है, ये हिलता रहता है, तो बहुत फन है यहाँ पे। ये आपके हाथों में कितनी बोन्स होती हैं, VR1 बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। ये लिखा हुआ भी है बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे मिल सकती है अगर आप यहाँ पे आते हो तो। ये आई थिंक डीएनए का कुछ है दिखाया हुआ है। हिस्टोरिक, यहाँ पे अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर क्या है। अब हम दूसरी जगह आ चुके हैं। ओ, यहाँ तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है।
अंधेरा भी है। ये क्या क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल जैसा ही है। बायोलॉजी में जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में तरह तरह जानवरों के नाम पुराने ज़माने के, तो वैसे यहाँ पे ये हैं, बताया हुआ है इनके बारे में। और ये जानवर एक्चुअली अब नहीं है, ये होंगे तो बट इंडिया में नहीं है शायद, क्योंकि ये जानवर मैंने ज़्यादा देखे थे तो एक मूवी आई थी अवतार, अवतार मूवी में मैंने ये जानवर देखे थे। ये हिल रहा है पूरा, लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत फन कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे और बड़े भी। इनके यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, कौन सा जानवर है, कौन सी प्रजाति है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे बता भी रहे हैं साथ साथ ये लोग अनाउंसमेंट के थ्रू कि ये कौन सा जानवर है। बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ। हर जानवर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और उसके बारे में बताया हुआ है, ये हिल रहा है ऊपर नीचे मूव हो रहा है। ये इसकी गर्दन मूव हो रही है, ये एलिफेंट की तरह ही कोई जानवर है, ये लंगूर की तरह कोई जानवर है सामने, देखिए इसकी भी गर्दन मूव हुई। चलो आप यहाँ पे आओगे तो आप बोर नहीं हो सकते, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये देखिए लास्ट में दिखाया हुआ है उसके बाद हम कैसे इंसान बने, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, अमेजिंग यार, वेरी गुड। अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर दूसरी जगह।